नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को दिल्ली के मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर, ब्रह्मपुरी, भजनपुरा और गोकुलपुरी में जमकर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। इस हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को एक बार फिर सुबह से ही हिंसा शुरू हो गई। उपद्रवियों ने सुबह सुबह ही 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। मौजपुर, ब्रह्मपुरी से एक बार फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने हर आने जाने वालों को अपना निशाना बनाया, राहगीरों को भी जमकर पीटा। इन लोगों ने मीडिया कर्मियों पर भी हमला बोल दिया। करावल नगर में कुछ मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। यहाँ के टायर मार्केट में आगजनी की गई, जबकि ब्रह्मपुरी इलाके में 2 गुटों में पथराव की घटना के बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। मौजपुर और ब्रह्मपुरी में भी पथराव हुआ। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर चौक में CAA समर्थक मंगलवार सुबह ही जमा होने लगे। कुछ लोगों ने कबीर नगर की तरफ पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उधर से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौजपुर और जाफराबाद में भड़की हिंसा के बाद इलाके में जबरदस्त खौफ का माहौल है। यहाँ की हिंदू बहुल कॉलोनियों में रात भर लोग जागते रहे। पुलिस ने भी रात भर पहरेदारी की और हिंसा प्रभावित क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। कई जगहों से रात भर गोलियां चलने जैसी आवाज सुनी गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में खौफ पसरा हुआ है। सुबह 4 बजे तक इस इलाके में 45 जगह से आगजनी की फोन कॉल आ चुकी थी। दरअसल राजधानी में सोमवार से ही CAA समर्थक और CAA विरोधी आमने सामने आ गए, जिसके बाद से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा फैल गई। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हेड कांस्टेबल रतनलाल भी शामिल है। साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में DCP अमित शर्मा समेत कई पुलिसकर्मी भी शामिल है। गोली मार।